क्या दोस्तों, आप जानते हैं आज देखिए स्क्वायर करने का शानदार ट्रिक लेकर के आया हम। मिनटो काम आप सेकंडों में करेंगे। देखिए यहाँ से जब आपसे पूछा जाएगा 25 का वर्गमूल क्या होगा तो कहिएगा 5, जब आपसे पूछा जाएगा 26 का वर्गमूल तो थोड़ा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो देखिए आज तो प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ से प्यारे मित्रों, जब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका करीब में कितना का रूट होगा, 25 का रूट होगा। क्या करेंगे, 25 प्लस का क्या करेंगे, 1। और देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 5 होगा 25 का वर्गमूल। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, फिर यहाँ से बटाओ 1 बच गया, इसका डबल कीजिए, यहाँ से क्या करना है, डबल से भाग दे देना, जितना यहाँ होगा इसका डबल। क्या करेंगे, 5 + 0.1, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5.1 होगा, इसका वर्गमूल हो गया 5.1। आप इस ट्रिक को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को बना के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। क्या दोस्तों, आप जानते हैं जब देखिए यहाँ से √7 √7 जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, डॉट डॉट दिया रहेगा, तो क्या होगा, केवल 1 7 को बाहर निकाल लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब इस टाइप का दिया रहेगा क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्या है, डॉट डॉट नहीं दिया गया है तो इसका 7 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, सबसे सिंपल 1 7 को कान पर खींच करके क्या आएंगे, बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर भी 2 लिखेंगे और नीचे भी 2 लिखेंगे। उसके बाद कितना रूट दिया गया है, 1 2 3, क्या करेंगे, ऊपर भी पावर लिखेंगे 3 और क्या करेंगे, नीचे भी पावर 3 लिखेंगे, और इसका ऊपर में क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे। देखिए यहाँ से प्यारे मित्रों क्या होगा, 1 7 लिख दिए, 2 का क्यूब 8, उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 7 / 2 का क्यूब 8 क्या होगा। इसी तरह से इसका आंसर पूरा हो गया। क्या दोस्तों, आप जानते हैं √16 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए यहाँ से प्यारे मित्रों, √16 का वर्गमूल कहा गया, सीधे 16 का वर्गमूल कहा जाएगा तो 4 होगा, लेकिन यहाँ क्या कहा गया, √16, इसका मतलब क्या है, रूट के ऊपर क्या है, रूट, रूट के ऊपर रूट। तो देखिए यहाँ से क्या होगा प्यारे मित्रों, 1 रूट का यहाँ से वर्गमूल जब करेंगे 16 का तो क्या होगा, रूट में 4 होगा, उसके बाद क्या, 1 रूट खत्म, दूसरा रूट क्या होगा, 2 × 2, यहाँ से क्या बाहर आएगा, 2। अब देखिए यहाँ से जब किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है √2, लेकिन नन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। क्या दोस्तों, आप जानते हैं 3 लगातार सम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ से प्यारे मित्रों क्या करना है, मिनटों काम सेकंडों में आप बीच वाली संख्या पहले चुनिए। सबसे क्या करना है, 3 को संख्या कहा है, 3 को संख्या हमने चुन लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, 72 में 3 से भाग देना है, कारण क्या है, जो 3 दिया गया है, 3 लगातार कहा है, तो क्या होगा, 24 + 72, आपको क्या होगा, जब ये 3 से भाग दिया तो बीच वाली संख्या निकल गया, तो बीच वाली संख्या कितना हो गया, 24, और आगे जाना है तो क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, सम कहा इसीलिए 2 जोड़ेंगे, तो क्या होगा, 26 हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो क्या होगा, पीछे वाली संख्या हो जाएगा 22। और देखिए यहाँ से सबसे छोटी संख्या हो गया 22 और सबसे बड़ी संख्या हो गया 26 और बीच वाली संख्या हो गया 24। क्या दोस्तों, आप जानते हैं 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मिनटों काम आप सेकंडों में करेंगे। तो देखिए यहाँ से प्यारे मित्रों क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सेकंड फर्स्ट ले लिए हैं और क्या है अगला थर्ड, देखिए 3 संख्या ले ली है, क्या करेंगे, अब 72 में हम 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, बीच वाली संख्या निकल जाएगी, तो 24 + 72 हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, विषम कहा गया है तो बीच वाली संख्या 24, विषम कहा गया है तो 1 1 का क्या करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसमें 1 बढ़ाएंगे आगे जाना है तो 25 हो जाएगा, इसमें 1 क्या करेंगे पीछे आएंगे तो 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 25, और सबसे छोटी संख्या 23, बीच वाली संख्या कितना हो गया, 24। क्या दोस्तों, आप जानते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या करेंगे, मिनटों काम सेकंडों में करेंगे। तो देखिए यहाँ से प्यारे मित्रों क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 अंक पर एक रिंग दिया गया है, यहाँ भी 2 अंक पर एक रिंग दिया गया है, सभी जगह 2 अंक पर एक रिंग दिया गया है। तो देखिए यहाँ से विदाउट रेकरिंग पर पहले चिन्ह को देखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करेंगे, प्लस में और ये प्लस में, देखिए केवल इस संख्या और इस संख्या को जोड़ेंगे कितना होगा, 4, और 4 में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे बिना रेकरिंग वाला को, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 2। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे दशमलव के बाद वाला संख्या को, तो क्या होगा, दोनों को जोड़ करके 69, और 69 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 64। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 64, 2 अंक पर रैकरिंग दिया गया है और 2 अंक के बाद दशमलव दिया गया है, तो क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव और दोनों पर रैकरिंग, क्या होगा इसका आंसर पूरा हो गया। क्या दोस्तों, आप जानते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो मिनटों काम आप सेकंडों में करेंगे। तो देखिए यहाँ से प्यारे मित्रों क्या करेंगे,
लिखेंगे 998 गुने 997 गुने क्या करेंगे, लिखेंगे 996 और गुने 702, सभी में क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ से प्यारे मित्रों क्या बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर इसका माइनस का 2 बचेगा, यहाँ से माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 4 और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2 बचेगा। तो देखिए यहाँ से प्यारे मित्रों क्या करेंगे, सबको गुणा करेंगे। देखिए यहाँ से जब सभी को गुणा करेंगे तो क्या होगा, द्वितीया 6 6 24 24 24 गुना कितना होगा 48 होगा। तो देखिए यहाँ से 48 होगा, उसके बाद देखिए यहाँ से माइनस और प्लस और समान संख्या क्या होगा, माइनस दोनों संख्या क्या है समान है तो क्या होगा प्लस होगा, और सभी को गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस। तो रिमाइंडर कितना आ गया 48 माइनस का अब बटे 100 से भाग देंगे। जब यह माइनस में आएगा तो क्या करेंगे 100 में से इसको हम घटाएंगे, 100 में से क्या करेंगे 48 को हम घटा लेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 52 होगा, तो 52 इसका आंसर आ गया। क्या दोस्तों आप जानते हैं चार कारीगर 8 दिन में 12 कुर्सियां बनाते हैं, 36 कुर्सियां 8 दिनों में बनाने के लिए कितने कारीगर चाहिए। तो देखिए यहाँ से प्यारे मित्रों आज इसके लिए हम हॉट ट्रिक लेकर के आए हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, वर्क वर्कर बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से वर्कर इंटू डे और बाय क्या लिखेंगे वस्तु, वर्कर इंटू क्या लिखेंगे डे और बाय क्या लिखेंगे वस्तु। इसके लिए आज हॉट ट्रिक देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सबसे सिंपल क्या करेंगे, कारीगर कितना दिया गया है 4, दिन कितना लगता है 8 और कितना है 12 कुर्सी बनाते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से क्या दिया गया है, सबसे सिंपल 8 दिन है, तो यहाँ से क्या कारीगर नहीं दिया गया है कितना है, तो उसको एक्स मान लिया, दिन कितना है 8 और बट्टे का कितना करेंगे 36 वस्तु बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इस 8 से 8 कैंसिल कर देंगे, 12 तिया का क्या होगा 36, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स बराबर 4 तिया के 12 करेंगे 4 तिया 12, तो क्या हो गया कारीगर कितना लगेंगे 12। इसी तरह से इसका आंसर पूरा हो गया। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।